वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अच्छा, मैं आज एक्सपोज करने वाला हूँ चैम्पियंस को। इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, वो शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये लोग अब करके आ रहे हैं, सारा कैमरामैन, DOP, राइटर्स, सारे के सारे चैम्पियंस शो में, चैम्पियंस शो के सेट पे मौजूद होते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर कैसे करते हैं अब कि जैसे कैमरास लगे पड़े हैं जिस तरह बिग बॉस में है, और ये खुद अकेले हैं जो मर्ज़ी करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको चंद तस्वीरें ऐसी दिखाऊंगा जिसमें वाजह ज़ाहिर होगा कि कैमरामैन्स मौजूद होते हैं। लेकिन पता नहीं बेवकूफ़ी कैसे कर जाते हैं, शायद अपनी वीडियो को बार बार देखते नहीं हैं या किसी प्रोसेस से नहीं गुजारते कि मेरे ख़्याल से इनको चेक करा लेना चाहिए था, किसी ऐसे बंदे को रखें जो सिर्फ इनकी गलतियां निकाले, तब ठीक था। लेकिन मेरे ख़्याल से इनके पास ऐसा कोई बंदा है नहीं जो इनकी गलतियां निकाले और इनको बताए कि कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। जो भी हैं, सारे वाह वाह करने वाले हैं, वीडियो बन गई चल ठीक है लगा दो, नेट पर लगा दो और चैनल पर चला दो, है ऐसा नहीं होता। ये सारा शो एक स्क्रिप्टेड शो है, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, अब देख लिया है सारा कुछ। और ये कोई एडिटेड फ़ोटो नहीं है, ये वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है जो कि रिसेंटली कल YouTube पे अपलोड किया है, चैम्पियंस की एपिसोड। तो मेरा काम था कि मैं इनको एक्सपोज करूं और आप लोगों को बताऊं कि ये कोई रियलिटी शो नहीं है, सारी स्क्रिप्टेड शो है जो कि ये आवाम को पागल बना रहे हैं एक रियलिटी शो के नाम पे। तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर रियलिटी शो बनाना है तो रियलिटी बनाओ ना। ये क्या मतलब लगा रखा है कि सारे कैमरामैन मौजूद हैं, स्क्रिप्टेड तैयार हो रही है, रिटेक्स लिए जा रहे हैं, फिर वीडियो बन रही है, फिर नेट पे आ रही है और लोग पागलों की तरह देख रहे हैं कि वाकई रियलिटी शो है। ना 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 ना, ऐसा रियलिटी शो नहीं होता। हो सकता है बिग बॉस वाले भी ऐसा करते हों, लेकिन उन्होंने बंदा बिठाया हुआ होगा सुपरविजन पे, जो सुपरविजन करता होगा, इसलिए शायद उनका कामयाब जा रहा है शो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।